नमस्ते दोस्तों, कोविड के बाद में बालों का झड़ना आजकल एक बहुत आम समस्या हो गई है। कई पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि कोविड होने के बाद में उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर फीमेल पेशेंट्स जिनमें बाल लंबे होने के कारण बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे दिखाई देते हैं। डेली इतने सारे बाल झड़ जाते हैं और सिर भी खाली खाली सा नज़र आने लग जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कोविड हेयर लॉस का कारण क्या है, ये कोविड के कितने टाइम बाद स्टार्ट होता है और कितने टाइम में ये सही हो जाता है, और इससे बचने के लिए या इससे रिकवर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पोस्ट कोविड हेयर लॉस के बारे में समझने से पहले हमें हेयर साइकिल के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। आपके बाल नॉर्मली तीन फेजेस से होकर गुजरते हैं। एनाजेन फेज यानी कि ग्रोथ फेज, जिसमें कि हेयर की लेंथ बढ़ती रहती है। कैटाजेन फेज, जिसमें कि ये ग्रोथ रुक जाती है। और टीलोजन फेज, जो कि रेस्टिंग फेज कहते हैं, जिसमें हेयर ग्रो नहीं होता है और इस फेज के एंड में आपका हेयर शेड हो जाता है यानी कि गिर जाता है। नॉर्मली हमारे सिर पर जो हेयर होते हैं वो 90% से ज़्यादा हेयर एनाजेन फेज या ग्रोइंग फेज में रहते हैं, और बहुत कम बाल होते हैं जो कि टीलोजन फेज में रहते हैं। लेकिन कोविड के बाद में या किसी भी मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद में, जैसे कि टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया या इवन डिलीवरी के बाद में क्या होता है, आपके बहुत सारे हेयर फॉलिकल एनाजेन फेज से टीलोजन फेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो आपके बाल नॉर्मली ग्रो कर रहे थे वो अचानक से रेस्टिंग फेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस रेस्टिंग फेज का ड्यूरेशन नॉर्मली होता है 2 से 3 महीने। तो जब भी आपको कोई ऐसा मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड होने के बाद में, लगभग 2 से 3 महीने तक तो आपका हेयर फॉल नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक से ये टीलोजन फेज में शिफ्ट हुए सारे बाल एक साथ में गिरने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड टीलोजन एफ्लुवियम। और इसमें अचानक से इतने सारे बाल एक साथ झड़ते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बीमारी और बाल झड़ने के बीच में 2-3 महीने का गैप भी रहता है, इसलिए कई बार लोग इसे उस डिजीज़ कंडीशन से कोरिलेट भी नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि कोविड तो हमें 2-3 महीने पहले हुआ था, तो फिर हेयर फॉल हमारा अभी क्यों हो रहा है। तो इसका दोस्तों यही कारण है कि आपके बाल उस समय टीलोजन फेज या रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनकी शेडिंग तभी होगी जब ये फेज ख़त्म होगा, जो कि 2-3 महीने बाद में होता है। तो ये फेज लगभग कितने टाइम तक लास्ट करता है? ये लगभग 3 से 6 महीने तक लास्ट कर सकता है। इससे रिकवर करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपकी डाइट। आपके हेयर ग्रुप्स में फॉल हो रहे हैं और आपको उनकी रीग्रोथ करवानी है। बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस की बॉडी को ज़रूरत रहती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। तो आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा एग्स यदि आप लेते हैं तो इसे आपकी डेली रूटीन डाइट में इंक्लूड कीजिए। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ये सब चीज़ें रेगुलरली लीजिए। और नट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, ये सब चीज़ें डेली कंज्यूम कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि स्किन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और उससे भी बालों की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेप्टाइड कंटेनिंग सीरम आपके हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यदि इन सब सप्लीमेंटेशन और पेप्टाइड सीरम के यूज़ के बाद में भी आपका हेयर फॉल सेम पेस पर कंटिन्यू हो रहा है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके PRP थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी ले सकते हैं। PRP थेरेपी पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ये हेयर शेडिंग को रोकने और हेयर की रीग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, पोस्ट कोविड हेयर लॉस को लेकर स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने से आपके हेयर फॉल की कंडीशन केवल वर्सन होती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। इससे कंप्लीट रिकवरी के लिए आपको टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पोस्ट कोविड हेयर लॉस के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। Thank you.